नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। G20 समिट बिहार के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जो कि बिहार के CM है, वो दिल्ली जाते हैं, इससे पहले कई आयोजनों को दरकिनार करते रहते हैं और अचानक से जब रात्रि भोज डिनर का आमंत्रण उनके पास आता है तो वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। इससे पहले जो तस्वीरें G20 समिट के सामने आई नीतीश कुमार की, उसमें वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ उनकी काफी सारी तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो बाइडेन जो कि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाते हैं, उसके राष्ट्रपति से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की मुलाकात करवा रहे हैं। और इस तस्वीर में नीतीश कुमार काफ़ी हंस रहे हैं, मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीर नज़र आ रही है। उनके साथ झारखंड के CM हेमंत सोरेन भी नज़र आ रहे हैं। स्क्रीन पर ये तस्वीर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी अच्छी खासी बातचीत हो रही है, वहाँ का माहौल काफ़ी लाइट है। और ऐसे में जब से नीतीश कुमार बिहार से सीधे दिल्ली गए G20 समिट में शामिल होने के लिए, रात्रि भोज डिनर में शामिल होने के लिए, तब से इस बात को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार अब महागठबंधन से हाथ छोड़ने वाले हैं, महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं। क्योंकि जब जब नीतीश कुमार कुछ अलग करते हैं वो ज़रूर उसका इफेक्ट बिहार के सियासत में देखने को मिलता है। और देखिए G20 समिट की जो डिनर पॉइंट का जो खास पॉइंट था जहां पर मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था, अगर आप उसकी तस्वीर देखें, सुबह ही हमने ये खबर भी चलाई है कि बिहार के लिहाज से आखिर G20 समिट खास क्यों रहा, तो जो बैकग्राउंड था वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाई गई है और इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों को इसका इतिहास बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं G20 समिट में अहम तो पूरे देश के लिए रहा लेकिन बिहार के लिए खास कई मायनों में है। 2024 लोकसभा चुनाव हैं, 2025 विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है अगर इसकी बात करें हम, तो नीतीश कुमार के लिए खास है, बिहार के लिए खास है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो पहले नेता थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाई है। फिक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। और ऐसे में तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी, इस दौरान ये खबरें भी चल कर आई कि नीतीश कुमार को काफी ज्यादा कुछ इस मुहिम में मिला नहीं, शुरुआत उन्होंने की लेकिन जो तारीफें या यूं कहें कि जो मेन पॉइंट है वो अब कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी बन गए। और ऐसे में देखिए कि इन सब के बीच नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, वहां से अलग अलग तरह की तस्वीरें आती हैं और जो खास तस्वीर सामने आई है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी ने खुद जो बाइडेन से इनकी मुलाकात करवाई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।